हेलो दोस्तों, दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सुमिता अरोरा क्लास 11 का चैप्टर डिक्शनरीज का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं पाथ वाला। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना आइडियल पाइथन खोल लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, मैंने पहले से क्वेश्चन आंसर से दोनों लिख लिया है, ताकि बस आपको मैं समझा दूंगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ना। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, गिवेन द डिक्शनरी, इसमें डिक्शनरी दिया हुआ है एक ये, ठीक, उसमें क्या कह रहा है, क्रिएट अ डिक्शनरी विथ द अपोजिट मैपिंग, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट द डिक्शनरी। मतलब हमको ऐसा मतलब प्रोग्राम बनाना है कि जो ये डिक्शनरी दिया हुआ है ना, वो ना उसका जो ये की है वो वैल्यू हो जाना चाहिए, जो नया मैं डिक्शनरी बनाऊंगा और जो उसका वैल्यू वो की हो जाना चाहिए। इस जो ये डिक्शनरी यहाँ गिवन डिक्शनरी है, उसका जो की है वो जो मैं बनाऊंगा डिक्शनरी, मतलब हम जो बनाएंगे डिक्शनरी उसमें उसका वैल्यू हो जाना चाहिए, और जो वैल्यू है वो हमारा की हो जाना चाहिए। ठीक, और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ना जो कोलन यहाँ लगा है, कोलन के पहले वाला हमेशा की होता है और कोलन के बाद वाला हमेशा वैल्यू होता है डिक्शनरी में। ठीक, और बस इसमें क्वेश्चन में तो यही कह रहा है, आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो डिक्शनरी है यहाँ पे हम सिंपली रख लेंगे डिक्शनरी जो एक्स के फॉर्म में, क्योंकि दिया भी है एक्स के वेरिएबल इक्वल टू, ठीक, और एक खाली डिक्शनरी ले लेंगे एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक, उसको डिक नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, और सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, फॉर आई इन रेंज एक्स, ठीक है, सॉरी फॉर आई इन एक्स, ठीक है, रेंज नहीं लगाएंगे यहाँ पे एक्स, ये जब तभी लूप क्या काम करेगा, ये हर बार मतलब इस डिक्शनरी का की को चेक करेगा, ठीक है, और ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको जो ये नया डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी है हमारा ना, उसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, एक्स का आई हो जाना चाहिए, मतलब कि ना जो ये तो इसी ये फॉर्मेट होता है, हम किसी भी डिक्शनरी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम लोग जो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिक्शनरी का ना मतलब डिक्शनरी को ऐड करने का फॉर्मेट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, तो जो डिक्शनरी जिस डिक्शनरी में हमको ऐड करना है वो उसका नाम, ठीक, उसके बाद इधर यहाँ पे जो उसका नेम होना चाहिए जिस उसके की जो यहाँ पे हमारा की होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू होना चाहिए लार्ज ब्रैकेट के अंदर, ठीक, तो यहाँ पे हमको सिंपली एक्स आई करना है, इससे हमारा वैल्यू निकलेगा, ये एक्स के जो ये एक्स है उसका वैल्यू निकलेगा हमेशा हर बार जब यहाँ एक्स और लार्ज ब्रैकेट के अंदर आई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा ये की के फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये फिर प्रिंट कर देंगे लूप के बाहर निकल के, तब हमारा ये नया डिक्शनरी बन जाएगा। एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, देखिए जो हमारा यहाँ पे ये के वन था यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू होगा, और वी वन जो था यहाँ पे एक की हो गया, एक और फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक, ये वी वन एज अ की आ गया और के वन एज अ वैल्यू आ गया, हर बार हर में देखिए ऐसा ही हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये था हमारा तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।